झूठा बोल लेकिन ऊंचा बोल, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। इसीलिए झूठ की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप कर सकती है, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का फॉलोअप नहीं दे सकती। आरोपों के अंदर कोई तथ्य नहीं होता। सिर्फ एक पार्टी को या किसी नेता को बदनाम करने का हेतु भारतीय जनता पार्टी के आरोपों में है। इसी प्रकार से एक आरोप श्री अतुल भातखलकर जी ने लगाया। उन्होंने कहा कि पत्राचार घोटाले में शरद चंद्र पवार जी की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब जब ईडी ने कहीं पर भी पवार साहब का नाम नहीं लिया, वहाँ पे अतुल भातखलकर जी को कहाँ से पवार साहब का नाम सूझा, ये बात भारतीय जनता पार्टी ने रखनी चाहिए। सिर्फ पवार साहब का नाम लेकर कहीं ना कहीं पब्लिसिटी जुटाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी रहती है। देश के जो अहम मसले हैं, चाहे उसमें रोजगार का मसला हो, महंगाई का मसला हो, किसानों का मसला हो, इन सब मसलों पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उत्तर नहीं है। इसीलिए झूठ की राजनीति करते हुए, झूठी बयानबाजी करते हुए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी आज लोगों के सामने है और लोगों के मन से अब भारतीय जनता पार्टी का झूठ उतरते जा रहा है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।